साथ मेघर। चलिए रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तमाम कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को मनाने में नाकामयाब अब तक रहे हैं। उद्धव ठाकरे की इतनी कोशिशों के बावजूद जो बागी विधायक हैं वो फिलहाल थमने का और मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में संजय राउत के बड़बोले बयान है जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। संजय राउत अपने तेवर में नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। संजय राउत जिन्होंने नवनीत राणा के मुद्दे पर भी उद्धव सरकार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, नवनीत राणा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सुरक्षा कवच बनकर ये संजय राउत ही खड़े थे। संजय राउत का एक्सक्लूसिव बयान हम यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं। क्या कुछ संजय राउत यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर, सुनिए जरा। कोणी सांगितलं शक्ती प्रदर्शन झालं, काही बोलता काय सर? एकनाथ शिंदेजी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो शिवसैनिकों को कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, हम शिवसेना को बचाने की भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे, बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हो? शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शिंदे गटाचा अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्वीट केलं, अब करू द्या हो, करू द्या। ट्वीट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला? हा बोला, शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली। बघा हे पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरा सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे इसलिए हम बाहर। छोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। अढ़ाई साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं, अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए, शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन, सब कुछ होगा, नाम ना यूज किया, सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उनको उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना तो अपना बाप का नाम दे दो, सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। शिवसेना एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब, तो बरोबर आहे ना? बरोबर आहे, हे कशाला लोकांना गुमराह करताय? खरी शिवसेना खोटी शिवसेना जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही, जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले, निवडणुकांना सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराज शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं। तुमच्यामध्ये जर हिम्मत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्यात, 54 असू द्यात, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिम्मत दाखवा। हे माझं ओपन चॅलेंज आहे।
बरं का, तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या? हा, तिथे आसाममध्ये पूर आलाय, रॅडिशन हॉटेलच्या बाहेर एवढा पूर आहे, पूर आलाय, इतना बाढ आहे रॅडिशनच्या बाहेर भी, मुर्दे तैर रहे वहां, और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं पार्टियां उधर, क्या है आपको सब जो वीडियो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर, आप लोगों का भरोसा अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली, ये सरकार है वो सरकार रहेगी, इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर, अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने, और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी माणूस की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। बोलिए सर, आप आइए चौपाटी में, गवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। आता हे दरवाजे कायमचे बंद आहेत काय म्हणतो आमदारांना? दरवाजे उघडेच आहेत, उघडे ठेवले होते, त्यातले काही आमदारांचं माझं आत्ता बोलणं झालं 5 मिनिटांपूर्वी, आत्ता माझं 5 मिनिटांपूर्वी काही आमदारांशी बोलणं झालं, त्यांची इच्छा येण्याची, ज्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यांच्यासाठी दरवाजे खिडक्या फटी सगळं काय उघडं आहे, आणि ते येतील मला खात्री आहे। चंद्रकांत खैरेंना पण त्याचे फोन आलेले आहेत, तिकडे एकमेकावरती हल्ले झाले आणि कपडे फाडले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण जबरदस्तीने आमदारांना डांबून ठेवलंय, जबरदस्तीने डांबून ठेवलंय आमदारांना। किती दिवस आमदार राहतील गुवाहाटीला? त्या गुवाहाटीच्या त्या हॉटेलमध्ये मी माहिती घेतली मगाशी, 340 खोल्या आहेत, 18 माळ्याचं हॉटेल आहे, त्यातले 3 माळ्या यांच्याकडे आहेत। मी कालपासून त्यांना मेल पाठवते हॉटेलला की आम्हाला 40 रूम तिथे हव्या आहेत, देत आहे का? आणि मी ती जे त्यांचे पर्यटन मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिश्व शर्मा, त्यांनाही माझा मेल गेला आहे की आपण म्हणत्या पर्यटनाला या गुवाहाटीमध्ये रॅडिशन ब्ल्यूमध्ये आम्हाला यायचं आहे, तिथे 340 रूम्स आहेत, आम्हाला तिथे कार्यक्रम करायचा आहे महाराष्ट्र आणि गुवाहाटीचा पर्यटनासंदर्भात, अजून रिप्लाय येत नाहीये। हा सर, बहुत इम्पॉर्टंट बात आपने कही, किस तरह मेल किया है कि मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को सबको कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? महाराष्ट्र में स्मशान है? आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि 5 लोगों से आपसे आपकी बात जी आप भी हो गई और उन लोगों को आना है, क्या कहेंगे? आ जाएंगे, आने के बाद कूद कर आ जाएंगे। आप देखो, इसलिए तो गुवाहाटी नहीं छोड़ रहे, आप 30 तारीख तक बढ़ाया है वहां का उनका स्टे, क्यों? आप आइए ना, यहाँ महाराष्ट्र है आपका, वहां भी झाड़ी है, फूल है, हाँ निसर्ग है, पत्थर है, पानी है, तो महाराष्ट्र में क्या है आपके? क्या बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहां पर रखा गया? डेफिनेटली छूटना है वहां से, इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहां 20 कमरे दीजिए, हम वहां रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहता है, तो हमें क्यों रोका रहा है वहां? बाहर प्रयत्न करना रहता है, बंद झाले। जिला कैडर जो है, जिला प्रमुख हो, उनको भी फोन करके धमकाया जा रहा है? अरे भाई, धमके दे दीजिए, कितने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं। शिवसेना जो है बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये एक सुपर पावर है। किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं, ये शिवसेना महाशक्ति है। जाना यायची इच्छा आणि जे आमच्या संपर्कात आहेत, जे मनाला आमच्या बरोबर आहेत आणि जबरदस्तीने तिथे त्यांना कोंडून ठेवलं, ते आमचेच आहेत, ते इथे येतील, त्यांना परत आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत।